one small development. Mamata Banerjee has directed Chief Secretary of Bengal government to ban Kerala story in Bengal. So there is a possibility that that may happen. Again, if that is what she has done, then we will again take a legal action. Whatever is possible under the provisions of law, we will fight that. चेहरा बेनकाब हो रहा है इन लोगों का, जब ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति के चलते बेटियों को गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल जैसा राज्य तो फिल्म को बैन करके एक इतना बड़ा अन्याय कर रहा है जिसको मैं क्या कहूं। क्या वो सच भी परोसने नहीं देना चाहते? और कुछ दिन पहले की ममता बनर्जी जी के राज्य की एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की जाती है, जिस तरह से उन बेटी को घसीट कर लेकर जाते हैं, उसके शव को जो देश के सामने आता है, शर्मसार करता है। आप उस पर तो जवाब नहीं देते, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ और उसके ऊपर जवाब नहीं देते, लेकिन फिल्म को बैन करने का एक ऐसा काम करते हैं। क्या मिल रहा है आपको ऐसे आतंकवादी संगठनों के साथ खड़े होने का? क्या मिलता है आपको ऐसी सोच को बढ़ावा देने का? उनको कहीं ना कहीं समर्थक दुनिया वालों को भारत के अंदर ही मिलते हैं। जब ये लोग इस फिल्म का विरोध करते हैं और ऐसी रिक्रूटमेंट ड्राइव करने वालों के एक तरह से पक्ष में बोलते हैं, चाहे अप्रत्यक्ष तौर से बोलते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो समर्थन उन्हीं को ही मिलता है जो आईएसआईएस की सोच और ऐसे वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ जुड़ी हुई है।